नमस्ते सत श्री अकाल सबको, दिस इज साहिल गौरी, आईएससी ग्रेजुएट एंड करेंटली वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर इन मर्सिडीज बेंज। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SVNIT सूरत के बारे में, जो कि यार काफी बढ़िया कॉलेज मान जाता है। इस कॉलेज के बारे में हम डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, जहां पे यार आपको लेटेस्ट प्लेसमेंट स्टार्ट देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ साथ यार आपको काफी सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, हॉस्टल कैसा रहता है, आपका फी स्ट्रक्चर कैसा रहता है, साथ के साथ यार क्या कट ऑफ जारी होती है, कौन कौन से कोर्सेज है, तो ये सारी चीजें यार इस वीडियो के अंदर आप लोग को मिल जाएंगी। तो एंड तक वीडियो को देखना मत भूलना, और जितने भी लोग यार नए आ रहे हैं इस चैनल पे, डेफिनेटली यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो यार इस वीडियो को अब हम जल्दी से यार यहां पे स्टार्ट कर रहे होंगे। यहां पे आप लोग देख सकते हो सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत के बारे में बात करने वाले हैं। ये इनका लोगो रहता है, ऐसा कुछ यार आपका कैंपस दिखता रात में, जो कि यार काफी बढ़िया कैंपस लग रहा होता है। यहां पे यार जल्दी से आगे बढ़े तो एस्टैब्लिश हुआ था 1961 में, जो कि यार काफी ज्यादा आपका पुराना कॉलेज है, और नेट रैंकिंग इसकी रही है 58, जो कि काफी बढ़िया रैंकिंग मानी जाएगी, लेकिन उसके ऊपर यार इतना डिस्कस नहीं करते हैं। जल्दी से बढ़ रहे होंगे यहां पे यार अपने मोड्स ऑफ एडमिशन पे। मोड्स ऑफ एडमिशन की बात करें तो यार ऑलमोस्ट सारे के सारे आपके NIDs हो गए, IIITs हो गए, सबका यार इसी मोड से एडमिशन हो रहा होता है कि यार आपको JEE मेंस देना होगा, उसके बाद यार आपकी JOSA काउंसलिंग होगी और CSAP की होगी, उसके थ्रू अगर आपकी रैंक अच्छी होती है तो आपको एडमिशन मिल जाता है। सिमिलर वे में यार आपको इस NID में भी एडमिशन मिल रहा होता है, तो ये हो जाता है आपका यार मोड ऑफ एडमिशन। अब आगे बढ़े तो यहां पे यार आपके कोर्सेज देख लेते हैं क्या क्या देखने को मिल जाएंगे। तो केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ECE हो गया, मैकेनिकल और इंटीग्रेटेड MSc भी देखने को मिल जाती है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में आप लोगों को यहां पे। तो यार ये हो जाते हैं आपके कोर्सेज। ऐसी यार सिमिलर वे में हम यहां पे इन्हीं कोर्सेज में सीट मैट्रिक्स की बात करें तो ये आपकी ओवरऑल सीट मैट्रिक्स रहती है। यहां पे यार मैंने जेंडर न्यूट्रल फीमेल ओनली की भी बता रखी है, और आपकी यार होम स्टेट की भी बता रखी है, आउटसाइड स्टेट की भी बता रखी है, तो ये ओवरऑल सीट मैट्रिक्स है। बोरिंग पार्ट है, ज्यादा यार यहां पे डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन प्रॉपर PDF आप लोग को यार मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको अगर नहीं ज्वाइन किया डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपनी कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ यार यहां पे मैंने कवर कर रखी है राउंड 6 की कट ऑफ, ये मैं आप लोग को बताता हूं। यार राउंड 6 की कट ऑफ है, CSAP की कट ऑफ में यार थोड़ा बहुत डाइसी रहता है, लेकिन अगर आप राउंड 6 की कट ऑफ देखते हो और यार उसको टारगेट कर रहे हो तो यार आप लोग एक सेफ जोन में आ जाते हो कि डेफिनेटली यार आप लोग को ये पर्टिकुलर ब्रांच इस कॉलेज में तो मिल ही जाएगी। इसलिए यार राउंड 6 की कट ऑफ मैं आप लोग को हमेशा दिखा रहा होता हूं। यहां पे यार आप लोग को लोअर रैंक पे भी एक तरह से एडमिशन मिल जाता है, होम स्टेट वाले को भी और आउटसाइड स्टेट वालों को भी, बट यार भाई आपको थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है ब्रांच में। जैसे कि अगर हम यहां पे देखें आपको सिविल इंजीनियरिंग जेंडर न्यूट्रल में 56,000 रैंक पे मिल रही होती है, और आउटसाइड स्टूडेंट वालों को यहां पे मिल जाती है 41,000 रैंक में, जो कि यार लोवेस्ट जाती है। मैकेनिकल में फीमेल ओनली में 44,000 तक मिल जाती है आप लोग को आउटसाइड स्टेट में यार, और उसके अलावा यार 55,000 में आप लोग को मिल जाती है होम स्टेट में। तो ऐसी यार आप लोग देख सकते हो, बस वही है थोड़ा बहुत आप लोग को सेक्रीफाइस कहीं ना कहीं करना पड़ जाता है। बाकी सारी कट ऑफ के लिए इसको रेफर कर लेना, थोड़ा बहुत यार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो अगेन टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को मिल जाएगी PDF। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर्स करियर 360 के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यार आप सभी लोग JEE के लिए प्रिपेयर करते हो और भी यार काफी सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो, तो यार करियर 360 लेके आया आप लोग के लिए एक इंजीनियरिंग प्रेप कॉम्बो, जहां पे यार आपको काफी सारे अमेजिंग फीचर्स मिल रहे होते हैं। जैसे कि यार यहां पे आप लोग को मिल रहे होंगे अनलिमिटेड मॉक टेस्ट ऑफ 9 लीडिंग एग्जाम्स, जिसमें आ जाता है आपका JEE, BITSAT, VIT EEE, SIMJEE EEE, AEEE आ जाता है आपका, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट, और इसके अलावा भी आपके कुछ और एग्जाम्स आ रहे होते हैं। और इसके साथ साथ यार आप इन्हीं मॉक टेस्ट को एनालाइज भी कर पाते हो, जिसके बेसिस पे यार आप लोग अपना रिवीजन कर पाओगे, या फिर जो भी कॉन्सेप्ट आपके वीक होते हैं उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को मिल रहे होंगे काफी सारे फ्लैश कार्ड्स वगैरह हो गए, या फिर जो भी आपके मोस्ट आस्क कॉन्सेप्ट वगैरह होते हैं वो मिल जाते हैं। साथ के साथ आपको फॉर्मूला शीट मिल जाती है, और यार यहाँ पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट वाइज डेफिनेशन भी मिल जाती है, वन शॉट वीडियो टाइप काइंड ऑफ, ठीक है। तो यार ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही होंगी इंजीनियरिंग प्रेप कॉम्बो में, और ये सारी चीजें आप लोग को मिल रही होती है 4999 में। और अगर आप लोग यार मेरा कूपन कोड SG10 यूज करते हो तो आपको यही सारी चीज यार मिल रही होंगी 4499 में। तो यार आप लोग डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, और यार मेरा कूपन कोड SG10 यूज करना मत भूलना। अब यार जल्दी से आ रहे होंगे अपनी मेन चीज पे, दैट इज प्लेसमेंट। उसके ऊपर यार सारी चीजें अच्छे से यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे होंगे। प्लेसमेंट की बात करते हो यार यहाँ पे आपका हाईएस्ट पैकेज 44 LPA, जो कि काफी बढ़िया पैकेज मान जाएगा। एवरेज पैकेज की बात करो 10 LPA गया है, जो कि यार काफी अच्छा एवरेज पैकेज माना जाता है। इसके बाद यार मीडियन पैकेज की बात करो तो यार 6.9 LPA के आसपास आपका मीडियन पैकेज जाता है एज पर NIRF डाटा। यहाँ पे यार इनका मीडियन पैकेज काफी बच्चों के दिमाग में आएगा कि यार भैया इनका मीडियन पैकेज इतना कम क्यों है, तो यार वो मैं आप लोग को बताता हूँ कि यार यहाँ पे काफी सारी ब्रांचेस हैं, जैसे कि सिविल हो गया, आपका केमिकल हो गया, तो ये कुछ कोर ब्रांचेस होती है जहां पे यार आपकी इतनी सारी कंपनी नहीं
नहीं आती हैं जो कि यार आपकी कोर फील्ड में अच्छे हाई पैकेजेस वगैरह देती हैं, तो ये लोग यार मास रिक्रूटर वगैरह में यार प्लेस हो जाते हैं। और कुछ परसेंट बच्चे होते हैं जो यार ज्यादा अच्छे से मेहनत करते हैं, वो बढ़िया बढ़िया कंपनीज में अच्छे पैकेज निकाल लेते हैं, तो उनकी वजह से यार थोड़ा बहुत अगर मैं बोलूँ ना कि कोर कंपनीज नहीं आती है, हाई पैकेजेस वगैरह उनको नहीं मिलते, उसकी वजह से मीडियम पैकेज इनका थोड़ा बहुत लो चला जाता है। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें एवरेज सी एस सी का पैकेज आप लोग देख सकते हो 15.2 LP है। वहीं पर यार अगर हम बात करें ईसी का पैकेज है यार ये, तो वो आपको 12.8 LP के आसपास देखने को मिल जाता है। तो यार ये काफी ज्यादा आपके स्टार्ट्स वगैरह बढ़िया रहते हैं। यहाँ पे यार 80% ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस हो जाते हैं, जो कि एक डिसेंट नंबर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें तो 8+ पॉइंटर आपका सेफेस्ट रहता है, सिर्फ इस NID में नहीं, बाकी सारी आपके NIDs, IIIDs में भी अगर आप 8+ CGPA ले आते हो, सारी कंपनीज के फर्स्ट राउंड जो कि कोडिंग राउंड होता है उसमें आप लोग बैठ पाते हो इजीली। इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है, PPO मिल जाते हैं, PPO होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर। अगर आप यार किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप करते हो और उस कंपनी को आपका काम पसंद आ जाता है इंटर्नशिप के टाइम में, तो वो आपको डायरेक्ट ऑफर दे देते हैं प्लेसमेंट का। यहाँ पे यार अब कुछ बढ़िया बढ़िया कंपनीज की बात करें तो यार उनकी बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे आ रही होती है। Amazon हो गया, Microsoft हो गया, आपका Adobe हो गया, Samsung, BPCL, Airtel, Deutsche Bank, JP Morgan, Reliance, American Express, Paytm, Oracle, Deloitte, Tikkion, Gojek, Ola, तो यार ये कुछ मेजर रिक्रूटर्स हैं जो कि यार काफी ज्यादा बढ़िया पैकेजेस आपको यहाँ पे दे रहे होते हैं। यहाँ पे यार आप लोग ओवरऑल स्टार्ट देख सकते हो कि यार कितने स्टूडेंट आपके रजिस्टर थे, कितने यार प्लेस हो गए। यहाँ पे आपको ओवरऑल परसेंटेज अच्छे से समझ आ जाएगा कि यार कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेस हो जाते हैं हर एक पर्टिकुलर ब्रांच में। मैक्सिमम पैकेज की बात करें तो यहाँ पे आप लोग अगेन देख सकते हो कि मैक्सिमम पैकेज कितना जा रहा होता है। यहाँ पे यार आपका CSE में मैक्सिमम पैकेज था और ईसी में दोनों में सेम था 44 LPA। और अगर हम बात करें यहाँ पे यार एवरेज पैकेज की, तो वो भी आपको यहाँ पे यार दिख जाएगा, एवरेज पैकेज भी काफी ज्यादा बढ़िया यहाँ पे जा रहा होता है। सीएससी और ईसी का मैं आप लोग को बता ही चुका हूँ, बाकी सारी ब्रांचेस का भी आप लोग देख सकते हो। जैसे मैंने बताया था मीडियन क्यों लो जाता है, आप लोग देख पाओगे यार सिविल का यहाँ पे 6.32 गया है सिर्फ, तो यार ये सब आपका यहाँ पे केमिकल में 8.81 है, मैकेनिकल में 8.28 है, फिर केमिस्ट्री में यार यहाँ पे सिर्फ आपका 4.74, ये सारी को इंक्लूड कर लेते हैं कभी कभार, तो यार ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। बाकी यार ये दो ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस और ईसी तो काफी बढ़िया ब्रांचेस हैं। बाकी यार आपका अगर हम देखें तो ये वाली ब्रांचेस इलेक्ट्रिकल में भी 8.8 जा रहा है, तो ये डिसेंट है, इतना बेकार नहीं बोलूंगा मैंने। तो ये हो जाता है ओवरऑल प्लेसमेंट स्टार्ट, जो कि यार यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया अच्छे से इस पर्टिकुलर कॉलेज के। अब आ जाते हैं जल्दी से यार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें स्प्रेड अक्रॉस 250 acres, जो कि यार काफी अच्छा लैंड एरिया होता है। क्लास लैब्स, लाइब्रेरी वगैरह स्पेशियस वेल मेंटेन है। यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी देखने को मिल जाती है, डिजिटल लाइब्रेरी भी है, सेंट्रल कंप्यूटर सेंटर भी है। तो यार जितने भी फर्स्ट सेकंड ईयर में स्टूडेंट आते हैं जिनके पास इनिशियल लैपटॉप्स वगैरह नहीं होते हैं, वो डेफिनेटली जाकर यार कंप्यूटर सेंटर वगैरह में प्रैक्टिस कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, नई स्किल्स वगैरह भी सीख सकते हैं, तो यार ये काफी सही चीज है। इसके अलावा यार वाईफाई नेबल कैंपस है, स्पोर्ट्स में यार स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर देखने को मिल जाएगा, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल वगैरह सारी आपकी बेसिक से सारे स्पोर्ट्स अच्छे खासे यहाँ पे आप लोगों को मिल जाते हैं। फैकल्टी की बात करें तो गुड फैकल्टी है, यहाँ पे काफी डिसेंट फैकल्टी देखने को मिल जाती है, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज भी आप लोगों को मिल जाएंगी, साथ के साथ यार इनोवेशन क्लब भी है, तो यार प्रमोट किया जाता है स्टार्टअप्स वगैरह को भी, तो यार काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। आजकल सारे के सारे NIDs, IIIDs में आपको इनोवेशन सेंटर और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज डिसेंट लेवल पे देखने को मिल जाती हैं। इन सब चीजों के अलावा यहाँ पे आप लोगों को कैंटीन, स्टेशन शॉप, ज़ेरॉक्स शॉप, मेडिकल सेंटर, ATM, बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीजें यार कैंपस के अंदर ही देखने को मिल जाती हैं। काफी बड़ा इनका कैंपस है, तो यार सारी चीजें इन्होंने कैंपस के अंदर ही प्रोवाइड करवा रखी है। अब जल्दी से आते हैं यार यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर के ऊपर। फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो यार इंस्टीट्यूशन फीस आपकी नॉमिनल रहती है बाकी NIDs, IIIDs के कंपैरेटिव, 66,000 पर सेमेस्टर और 14,000 आपकी वन टाइम फीस जा रही होती है सिर्फ, और साथ के साथ यार कॉशन बन जाती है 5,000, जो कि यार एंड ऑफ फोर्थ ईयर में आपको रिफंडेबल होती है। हॉस्टल फीस की बात करें तो 10,000 rupees टू सीटर के लिए रहती है, 13,000 rupees आपकी वन सीटर के लिए रहती है, लेकिन वन सीटर सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स को ही मिल रहा होता है। मेस की फीस की बात करें तो 16,500 rupees पर सेमेस्टर आपके यहाँ पे जा रहे होते हैं, और ये जो हॉस्टल फीस है यार ईयर के बेसिस पे है, लेकिन मेस फीस आपकी पर सेमेस्टर है, जो कि यार मैंने आप लोगों को बता दी है। स्कॉलरशिप की बात करें तो यार सारे के सारे NIDs में सेम ही रहती है ऑलमोस्ट, कि यार आपको 100% ट्यूशन फी वेवर मिल जाता है आपके SC ST PS स्टूडेंट के लिए। आपका 100% ट्यूशन फी वेवर रहता है इवन अगर आप जनरल हो, OBC हो, लेकिन आपकी पेरेंट्स की इनकम 1 lakh से कम होती है, और अगर यार 1 lakh से 5 lakh के बीच में होती है तो 2/3 आपका ट्यूशन फी का वेवर आपको यहाँ पे मिल रहा होता है। तो ये ओवरऑल स्कॉलरशिप भी मैंने
बता दिया। अब यार रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो स्पेसिफिकली यार जैसे मैंने बोला आप लोगों को कि यार सीएसईसी में तो काफी बढ़िया रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वहीं पे यार थोड़ा बहुत अगर हम सिविल वगैरह जैसी ब्रांचेस या फिर एमएससी वगैरह में जाए ना तो वहां पे इतना बढ़िया नहीं मिल रहा होता है। और डिसेंट सा मैं बोलूंगा अगर आपको यार केमिकल वगैरह मिल जाती है या फिर आपको मिल जाती है मैकेनिकल वगैरह तो वहां पे डिसेंट सा है, क्योंकि वहां पे एवरेज पैकेज आपका 8 LPA 8.5 LPA के आसपास रहता है। तो यार ये हो गया आपका फी स्ट्रक्चर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब जल्दी से आते हैं अपने हॉस्टल के ऊपर। हॉस्टल की बात करो तो यार यहाँ पे आपको 8 बॉयज हॉस्टल देखने को मिल जाते हैं, 1 गर्ल्स हॉस्टल है, साथ के साथ गर्ल्स टू बॉयज रेशियो यहाँ पे 1:6 1:8 के आसपास आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे सिंगल और डबल शेयरिंग रूम रहते हैं, सिंगल आपका मोस्टली सिर्फ गर्ल्स के लिए रहता है, बेड टेबल चेयर बुकशेल्फ वगैरह सारी चीजें बेसिक चीजें आपको मिल जाती है हर एक रूम में, गुड वाईफाई फैसिलिटी तो वाईफाई के रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉमन वॉशरूम रहते हैं जो कि यार क्लीन वगैरह किए जाते हैं, कॉमन रूम्स भी देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे यार आपका LED टीवी इंडोर गेम्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे यार दो चीजें हैं जो कि यार काफी ज्यादा आपकी बढ़िया चीज मैं बोलूंगा जो कि हॉस्टल में है, दैट इज स्टडी रूम्स 24/7 आपको हॉस्टल के अंदर मिल जाएगा, साथ के साथ कंप्यूटर लैब्स हैं और स्मॉल लाइब्रेरी भी हॉस्टल के अंदर देखने को मिल जाती है। तो ये काफी ज्यादा बढ़िया चीज है, दो चीजें जो मैं आप लोगों को बोलूंगा। इन सब चीजों के साथ साथ यार यहाँ पे आप लोगों को नाइट कैंटीन भी मिल जाती है, तो यार जितने भी लोग रात को पढ़ते हैं ना उनके लिए तो सबसे बेस्ट चीज यही होती है। मेस फूड की बात करो तो ओकेश रहता है, बहुत ज्यादा बेकार भी खाना नहीं होता, बहुत ज्यादा बढ़िया भी नहीं होता, ठीक ठाक बनता है हर रोज। इसके अलावा कर्फ्यू टाइमिंग की बात करें 11 PM रहता है, गर्ल्स के लिए स्ट्रिक्टनेस रहती है लेकिन बॉयज के लिए चिल रहता है थोड़ा बहुत। बाकी यार हॉस्टल के अंदर तो आप लोग इजीली रूम वगैरह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यार बात करें कुछ और चीजों की जो रहेगी है, दैट इज फेस्ट वगैरह, तो यार स्पर्श इनका मेन फेस्ट होता है, दैट इज टेक्नो कल्चरल फेस्ट जो कि यार काफी बढ़िया फेस्ट माना जाता है। क्लब्स की बात करें तो यार यहाँ पे आप लोग को काफी सारे क्लब्स देखने को मिल जाएंगे, आकृति हो गया, GDSC फिल्म क्लब, दृष्टि म्यूजिक क्लब, ड्रामेटिक फोटोग्राफी क्लब, डांस क्लब, तो यार ऐसे बहुत सारे और भी क्लब्स हैं, तो डेफिनेटली यार आप लोग जाया करो, पार्ट लिए करो, बहुत ज्यादा यार आप लोग को सीखने को मिलता है। साथ के साथ यार सीनियर से जब आप इंटरेक्ट वगैरह करोगे क्लब्स वगैरह में जाकर तो यार आपको बहुत सारी चीजें कॉलेजेस के बारे में भी पता लगती हैं कि यार कौन टीचर है, कितनी अटेंडेंस देगी, कैसे मार्किंग वगैरह करती है, सारी चीजें आप लोग को बेसिकली पता लग जाती है। इसके बाद यार अटेंडेंस की बात करें तो यहाँ पे भी यार आपको 75% का क्राइटेरिया देखने को मिल जाता है अटेंडेंस का, तो यार वो ऑलमोस्ट सभी NIDs IIITs वगैरह में यही देखने को मिलता है आप लोग को। तो यार इस कॉलेज के लिए इतना ही था, मैंने सारी चीजें अच्छे से आप लोग के लिए कवर कर दिया। और अगर आप लोगों ने यार यहां तक इस वीडियो को देख लिया डेफिनेटली यार लाइक का बटन दबा देना, कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, नहीं तो यार मेरा इंस्टाग्राम हैंडल @sahilgauri वहां पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, DM कर सकते हो, जितना भी रहता है यार कोशिश रहती है ज्यादा से ज्यादा लोगों के डाउट्स वगैरह क्लियर कर दूं। इसके साथ साथ यार हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन पे भी, और यार अगर आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी से जल्दी यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यार ऐसी मैं और भी आपकी NIDs IIITs की अपडेटेड वीडियोस जल्दी ही लाने वाला हूं, तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। तो यार इतना ही था इस वीडियो के लिए, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, टाटा, सी यू, बाय बाय।